भारत में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 82,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि इससे होने वाले मौत की संख्या 2,649 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में करीब 4,000 नए मामले सामने आए और 100 लोगों की मौत भी हुई है। अच्छी खबर यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक 27,920 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो यहां पर मरने वालों का आंकड़ा 1,019 तक जा पहुंचा है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, लगातार भारत में ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, 82,000 के पार पहुंच गया आंकड़ा। इसी बीच में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें मिडिल क्लास और किसानों के लिए कुछ राहत ऐलान की गई, इसके अलावा क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, 81,970 कोरोना पेशेंट्स जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या हो चुकी है। हालांकि 27,919 ऐसे मरीज भी हैं जो रिकवर हो चुके हैं, जो पूरी तरीके से अब स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बावजूद उसके अभी भी संकट टला नहीं है। यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन की रकम यानी कि करीबन 7,500 करोड़ रुपए की जो सोशल सिक्योरिटी मनी है वो जारी की है ताकि भारत को इससे काफी मदद मिल सके। जी, लगातार केंद्र सरकार की ओर से भी, वित्त मंत्रालय की ओर से भी घोषणाएं जारी है। आज तीसरे चरण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की जाएगी। ये देखने वाली बात है कि किसानों के बाद और जो व्यापारी हैं उनको राहत देने के बाद जिस तरीके से सूक्ष्म लघु और घरेलू उद्योगों को राहत दी गई थी केंद्र सरकार की ओर से, आज क्या कुछ ऐलान किया जा सकता है। कल जिस तरीके से मजदूरों के लिए और जो आम लोग उनको मुफ्त राशन की बात, 11 करोड़ रुपए जो राज्य सरकारों को आवंटित किए जाएंगे जिससे कि काफी मजदूर हैं उनके हितकर के लिए काम कर सके राज्य सरकारें, आज भी कुछ नए ऐलान किए जा सकते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में ये बात रखी थी। प्रीतिक, और चीज है कि जिस प्रकार से जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसमें एमएसएमईज के लिए यहाँ पर ऐलान किए गए, बड़ा एक हिस्सा उन्हें दिया गया इस अमाउंट का, और इसके बाद में किसानों के लिए और मध्यम वर्गों के लिए आज बताया जा रहा है कि हॉस्पिटैलिटी और जो टूरिज्म है जो कि कमर जिनकी टूट चुकी है इस कोरोना से प्रभावित होकर, उनके लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, लगातार केंद्र सरकार की ओर से ये ऐलान किए जा रहे हैं, जो पैकेज है वो लगातार दिए जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकारों की ओर से भी एक बड़ी रकम की मांग की जा रही है, छोटे छोटे हिस्सों में भी अलग अलग, जिस तरीके से कल प्रवासी मजदूरों के लिए 11,000 करोड़ की बात की थी केंद्र सरकार की ओर से। आज एक GOM की बैठक हुई थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल समूह की बैठक है, इसमें हर्षवर्धन, विदेश मंत्री जयशंकर और हरदीप पुरी शामिल हुए थे, डिफेंस ऑफ चीफ भी शामिल हुए थे जनरल बिपिन रावत। ये जो बैठक है इसमें काफी कुछ सरकार स्टेप उठाती है और स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकारों को कितना कुछ आवंटित, जी राइट, मध्य वर्ग है जो मजदूर है उनके हेल्थ सेक्टर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को एक नया ऐलान करे, कुछ बेहतर जो स्वास्थ्य को आगे बढ़ाया जा सके। आने वाले दिनों में जो तमाम जो बीमारियां उनसे भी काफी कुछ। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रीत।